लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बाहुबली बन गई है एनडीए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होता है और तीसरी बार एनडीए की सरकार बन जाती है। प्रधानमंत्री के पद पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बैठते हैं और अब राज्यसभा में भी, जहां एक तरफ लोकसभा में एनडीए की बहुमत है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में इससे पहले एनडीए की बहुमत नहीं थी, जिसके वजह से कोई भी बिल पास कराने में बहुत सारी अड़चनें एनडीए को उसका सामना करना पड़ता था। लेकिन अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बाहुबली बन गई है एनडीए और अब राज्यसभा में भी मजबूती के साथ एनडीए बैठी हुई है। इसीलिए तमाम जो भी बिल अब देश में पास करवाए जाएंगे एनडीए की तरफ से, उसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कोई अड़चनें नहीं आएंगी। हम आपको बताएंगे कि देश में 9 सीटों पर जो है उपचुनाव होने को है और इस उपचुनाव से पहले ही एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिल चुकी है राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में बाहुबली के तरह एनडीए अब पेश आ रहा है। आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो नेता हैं जो अब राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद एनडीए मजबूत हो गया है। आपको पूरे तरीके से, पूरे ग्राफिक से हम आपको समझाएंगे। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिल गया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ये सभी उम्मीदवार असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटों पर और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना व ओडिशा की 1-1 सीट पर जीते हैं। इनमें बीजेपी के 9, कांग्रेस के 1, एनसीपी अजीत पवार का 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसके साथ ही राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत को छू गया है। दरअसल असम में कामाख्या प्रसाद तासा और सर्वानंद सोनोवाल, बिहार में मिशा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया, महाराष्ट्र से छत्रपति उदयन राजे भोसले, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से बिप्लब देव के लोकसभा सदस्य चुने जाने और तेलंगाना के केशव राव व उड़ीसा की ममता मोहंता के इस्तीफे से 12 सीटें खाली हुई थी। चुने गए निर्वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2028 तक होगा। 12 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। वहीं एनडीए की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 112 हो गई है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली है। इनमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्यों की सीटें शामिल है। इस तरह राज्यसभा में वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा 119 सदस्यों का है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय का भी समर्थन प्राप्त है और इस तरह एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। जानकारों की माने तो अब बीजेपी को राज्यसभा में कोई भी महत्वपूर्ण बिल पारित कराने के लिए बीजेडी, वाईआरएस, कांग्रेस, बीआरएस और एआईडीएमके पर निर्भर नहीं रहना होगा। उधर कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या बढ़कर अब 27 हो गई है, जो कि नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटें से अधिक है। अब हम आपको राज्यसभा में चुने गए जो सांसद कैसे चुने जाते हैं, उसके पीछे की प्रक्रिया क्या होती है, ये अगर समझाएं तो राज्यसभा के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। राज्यसभा चुनाव को वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है। चयन प्रक्रिया को समझने के लिए आपको 1+1 का फॉर्मूला समझना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम बिहार का उदाहरण लेते हैं। दरअसल बिहार में जितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है। उसमें जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर बिहार में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो ये संख्या 11 हो जाएगी। अब विधानसभा सीटों की संख्या देखी जाएगी, बिहार में 243 विधायक हैं तो इसमें 11 का भाग दिया जाएगा, ऐसे में संख्या 22 आएगी। इसे अब इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो संख्या 23 हो जाएगी, यानी राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 23 विधायकों की वोट की जरूरत होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए अभी सभी विधायक
सभी उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं करते हैं। एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है। उन्हें बताना पड़ता है कि पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब राज्यसभा में भी बीजेपी अपनी बहुमत, अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। एनडीए की पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब ऐसे में कोई भी बीजेपी को कोई भी बिल पास करवाना होगा तो इसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कोई अड़चने नहीं आएंगी और आसानी से बिल पास हो जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी बिहार की का जो प्रदर्शन था वो बेहतर रहा है। नीतीश कुमार जदयू का प्रदर्शन बेहतर रहा है। वहीं अगर राज्यसभा के लिए बात करें तो बिहार से दो नेता जो है वो राज्यसभा में पहुंचे हैं, एक रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे बीजेपी के मनन मिश्रा। ये दो ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा पहुंचे हुए हैं। अब जिसके बाद बीजेपी जो है वो राज्यसभा में बहुमत से बैठी हुई है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।